हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्टार में। सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मुड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। आज देखिए मैथ का बेसिक क्लास फिर उस पिछले अंदाज में लेकर के आया हूँ। चलिए आज इसी जोश मोटिवेशन के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से आप पढ़े थे पिछला वीडियो में जी, आप महत्वपूर्ण चिन्ह के बारे में आप पढ़े थे, जब प्लस गुने क्या है प्लस, को गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस, और माइनस गुने माइनस बराबर क्या पढ़े थे प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर क्या पढ़े थे माइनस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। यानी आपको इसमें क्या देखने को मिला, जब दो समान चिन्ह का गुना किए तो क्या हो गया प्लस, दो असमान चिन्ह का गुना किए तो क्या हो गया माइनस। आप भी जान चुके हैं इसको, बस याद कैसे रखना है, दो समान चिन्ह का गुना होगा तो क्या होगा प्लस होगा, दो असमान चिन्ह का गुना होगा तो क्या होगा माइनस होगा। चलिए अब देखेंगे उसके बाद, पिछला वीडियो में पढ़ाया गया था दशमलव के गुना और भाग भी पढ़ाया गया था। उसके बाद देखेंगे यहाँ से फिर 0, 1, 2, 3, 5 मान लीजिए यहाँ से 6 दिया गया है, 9 है, ये सब क्या हो गया दशमलव संख्या हो गया, यानी डेसिमल नंबर क्या हो गया दशमलव संख्या हो गया डेसिमल नंबर। इसके बाद पढ़ेंगे, देखिए यहाँ से इसके बाद आपको पढ़ेंगे यानी बाइनरी नंबर, और बाइनरी से क्या होगा डेसिमल पढ़ाएंगे, डेसिमल से क्या जाएंगे बाइनरी, जो कि अगला क्लास में होगा फिर से। उसके बाद रोमन अंक भी पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले जानेंगे दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले जानिए यहाँ से एक अंक की बड़ी संख्या क्या होता। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, वन से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्या होगा 9। तो देखिए यहाँ से पहले जानेंगे एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया एक, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया यहाँ देखिए 9। अब जब आपसे पूछा जाएगा दो अंकों की सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी दो अंकों की सबसे बड़ी जब पूछा जाएगा तो क्या होगा, 2×9 होगा, और दो अंकों की सबसे छोटी, जब सबसे छोटी पूछा जाएगा तो क्या होगा, जब छोटी पूछा जाएगा तो क्या करेंगे 1 और 1 0, क्या लिखेंगे 1 और 1 0 कैसे। इसके बाद देखिए 9 के बाद 10 दो अंक में है तो क्या हो गया सबसे छोटी, क्या हो गया 10। अब देखिए यहाँ से फिर आपसे पूछा जाएगा यहाँ से 3 अंकों की सबसे छोटी तो 1 क्या होगा 0, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो क्या होगा 3×9, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो क्या होगा 3×9। फिर जब 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो कितना होगा 4×9, 4 अंकों की सबसे छोटी पूछा जाएगा तो क्या होगा 1/3 0, क्या होगा 1/3 0। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, देखिए यहाँ से समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइए थोड़ा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, फिर देखेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मज़ा आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ से उसके बाद देखेंगे ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक अंक में, दो क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है एक अंक में, उसके बाद दो क्या है सबसे छोटी सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, और इसी में कहा जाएगा एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो क्या होगा 7 होगा, सबसे बड़ी अभाज्य कैसे। तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्या हो गया यहाँ से देखिए 10। एक अंक में जाना है तो यहीं तक रुकेंगे, दो अंक में जाएंगे नहीं अभी। उसके बाद देखिए यहाँ से
क्या हो गया प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वन डिजिट का कहा जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहा जाएगा तो क्या होगा, टू होगा। और क्या होगा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कहा जाएगा, यानी लार्जेस्ट नंबर जब कहा जाएगा सबसे बड़ी प्राइम नंबर तो क्या होगा, सेवन होगा। अब देखिए जानिए यहाँ से प्राइम नंबर होता क्या है, यानी अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। क्या हो, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो तो संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। ए नंबर डेट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय टू फैक्टर इटसेल्फ एंड वन। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको देखेंगे इसमें क्या हो, दो में देखिए एक और क्या हो, स्वयं से विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ से फिर सात में क्या है, सात में एक से भाग लगेगा या तो स्वयं से लगेगा। उसके बाद जानेंगे हम, अब जब क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाएगा, बताइए चार अंकों की सबसे छोटी संख्या और चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या का क्या है अंतर निकालना है। तो चार अंकों की जब बड़ी संख्या कहा जाएगा क्या करेंगे, चार गो नौ, और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे, एक तीन जीरो। उसके बाद दोनों का अंतर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे यहाँ से। क्या होगा देखिए यहाँ से, यानी 8999। जब पूछा जाएगा आपको तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बताना, तो क्या करेंगे, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या तीन गो नौ और तीन अंकों की छोटी संख्या एक डबल जीरो। अब इसका योग करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से लिखेंगे क्या होगा, 1099। आपको बिल्कुल यहाँ से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी। तो देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन देखेंगे जैसे, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है जैसे 2.5.8.7.6 इससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताना, यानी योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, पहले बड़का से कहाँ जाएंगे, छोटका की ओर, यानी क्या आएंगे, घटते क्रम में जाएंगे। क्या करेंगे देखिए यहाँ से, आठ के बाद सात, उसके बाद छः, पाँच, दो, सबसे बड़ी संख्या हो गया। जब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है इससे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बढ़ते क्रम में जाएंगे। पहले क्या करेंगे, छोटका लिखेंगे, उसके बाद क्या, उससे बड़का, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद क्या होगा, उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। दोनों का क्या कहा गया, अंतर ज्ञात करना, ये सॉरी योग कहा गया। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, 10 के 0, 12 एक 13 के 3, यानी 12 एक 13 के 3 होगा, फिर 12 एक 13 के 3, 10 एक क्या होगा, 11, योग आ गया। जब इसी को कहा था अंतर, तो अंतर घट कहता तो क्या करते, घटा देते, अंतर कहता तो क्या करते, घटाते। देखिए यहाँ से फिर क्या होगा, चार हो जाएगा, यहाँ से घटा क्या होगा, सात, नौ, और क्या होगा यहाँ से, एक, और यहाँ से छः। देखिए यहाँ से अंतर आ गया, मज़ा आ रहा होगा। आप मैथ स्टार चैनल के माध्यम से जो भी कुछ सीखे हैं आप थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। फिर चलते हैं अगला टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए यहाँ से जानेंगे वर्ग और वर्गमूल। यहाँ से देखिए जैसे दिया गया है पी स्क्वायर बराबर दिया गया है 49, तो यहाँ से क्या करेंगे, जब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे 49, यानी क्या होगा, रूट में होगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, 7 × 7, तो क्या होगा, एक 7 को बाहर करेंगे। फिर जैसे यहाँ से दिया गया है, जब रूट में मानिए पी दिया गया है, इसके बराबर दिया गया है कितना, 18, यानी 18 दिया गया है, क्या करेंगे, इधर से रूट हटाएंगे तो क्या होगा, इधर स्क्वायर चढ़ाएंगे, तो पी बराबर डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ से, 18 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 18 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, 300
24, लेकिन कैसे हुआ आप थोड़ा स्क्वायर करने का ट्रिक भी सीख लीजिए यहाँ से। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको सबसे सिंपल क्या करेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला वो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, आठ ही आठ क्या होगा 64, 64 को क्या लिखेंगे यहाँ से चार। क्या करेंगे, एक बार में एक ही अंक लिखेंगे, यानी वन टाइम वन डिजिट, एक बार में एक अंक लिखेंगे, उसके बाद दूसरा में कितना हासिल बचा 6। उसके बाद देखिए सभी को गुना करके लिखेंगे, एक को आठ से गुना करेंगे आठ, आठ गुना क्या होगा 16, और 16 और 6 कितना होगा 22। तो 22 को क्या करेंगे, दो लिखेंगे, हासिल कितना 2। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके दो जोड़ेंगे, यानी एक का स्क्वायर एक, दो जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, यानी क्या आ गया 18 का स्क्वायर 324। आप इस ट्रिक को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, पहले फर्स्ट पार्ट को देखना है, उसके बाद देखना है सेकेंड पार्ट को। यह वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।